विराजमान हमारे सभी मेहमान कलाकार को सामूहिक प्रणाम करते हुए, तमाम सुनने वाले हमारे भैया दद्दा लोग सभी को एक साथ नमन वंदन करते हुए, जैसा कि आदेश मिला है केवल आदेश का पालन कर रही हूं। बिल्कुल, बहुत अच्छे अच्छे गीत आप लोगों ने सुने हैं। बड़े भैया भैया श्री बाबूलाल भैया जी के द्वारा और भैया श्री चंचल जी के द्वारा बहुत अच्छे अच्छे गीत, और दादा विश्वकर्मा जी के द्वारा आप लोगों ने अच्छे अच्छे गीत सुने हैं। लेकिन प्रयास कर रही हूँ, चूंकि आदेश है, आदेश का पालन कर रही हूँ। स्वाभाविक है त्रुटियां हम बच्चों से होंगी, क्योंकि त्रुटियां हमेशा बच्चों से होती हैं। आप लोग अपने कृपा प्रसाद से क्षमा करेंगे तो आइए बागेश्वर महाराज जी के चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए अपनी ओर से चंद पंक्तियां। हो हमारे दादा पूजनीय स्वर्गीय श्री मैयदीन तिवारी जी, दादा की पुण्य स्मृति हम लोग मना रहे हैं। सभी लोग उनका सानिध्य मिला, सभी ने दर्शन किए। मैं चंद पंक्तियां दादा के चरणों में समर्पित कर रही हूँ। गाया है फिल्मी दुनिया वालों ने, क्या बेटे, कि चला भी आ हो ए? केवल यही प्रार्थना है कि मेरे गाने बजाने को केवल आप साधें, कहना है क्या बेटा? चला भिया तिवारी जी से। सब लोग कह रहे हैं कि मैंने दादाजी से इतना सीखा, मेरी 15 वर्ष की अवस्था थी जब से मुझे दादाजी का सानिध्य मिला, हमारे दादा विश्वकर्मा जी ने बताया है। लेकिन आइए मैं अपनी ओर से भेंट कर रही हूं। सब लोग
कहते हैं कि वो अवतारी पुरुष थे, सबको उनका सानिध्य मिला और कुछ ना कुछ सीखने को मिला। लेकिन मैं कह रही हूँ आज वो इस धरा पर नहीं है, लेकिन जहां तक कीर्तन रहेगा, हमारे सम्मानी दादाजी रहेंगे, और जो भी सच्चे मन से कीर्तन को गाता है या सीखने का प्रयास करता है, उनका आशीर्वाद उनके शीश पर रहेगा। कहना क्या बोलेगा? आपका दिया आपका दिया हो आशीष पा लिया तो माना जाने वाले कभी लौट ना आए। ये बात सत्य है, जो यहाँ से जाता है वो लौट कर नहीं आता, लेकिन हमारे दादा में कुछ विशेष बात है कि माना जाने वाले कभी लौट ना आए, मगर आपको हम कभी भूल न पाए। आज जितने भी कीर्तनकार हैं, कलाकार हैं, दादा सबके हृदय में जीवित हैं। इसलिए कहना कि माना जाने वाले कभी लौट न पाए, मगर आपको दे रही है। जो कीर्तनकार हैं, जो कीर्तन कलाकार हैं, दादा आप उनके लिए हैं क्या? क्या बटे? कि कीर्तन की परिभाषा क्या? परिभाषा क्या आपने सिखाया? कीर्तन की परिभाषा क्या आपने सिखाया? रचनाकार गायकों को रस्ता दिखाया, हाँ हाँ रस्ता दिखाया। तो आज ये नीलम भी नहीं, सारे जो हमारे भक्त आपकी सभा में विराजमान हैं, आए हैं आपके दरबार में, तो कहना है क्या बेटे? रचनाकार गायकों को रस्ता दिखाया, हाँ हाँ रस्ता दिखाया, तो वरदान दे हो यही ज्ञान दे। केवल निवेदन है पिताजी से क्या बेटे? कि वरदान दे हो यही ज्ञान दे, कि आपके ही पद चिन्हों पर चलते चढ़े जाए।
रास्ता बनाया है कि आपके ही पद चिन्हों पर चलते चले जाए, अगर आपको हम कभी भूल पथ दिखा जो आपने लिखा। सभी लोग जानते कठियाले चुनरिया में अपनी साहित्यिक भाषा है, वही हम लोगों के लिए एक रास्ता बन गई। तो कहना रहा पथ दिखा जो आपने लिखा, सब अब भी गुनगुनाए, मगर आपको अंतिम लाइनों में कहना है, सब लोग ने दर्शन किए हैं वो दादा के कृपा से, कुछ ना कुछ पाया है, लेकिन मेरा मानना है इस बागेश्वर धाम में, क्योंकि जो कुछ भी बोलता है प्राणी वो सत्य होता है, ये धरती का प्रभाव है। सब लोग कहते हैं मैंने दर्शन किए हैं, मैंने दर्शन किए, लेकिन मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैंने दर्शन नहीं किए, लेकिन मेरा परम सौभाग्य रहा कि मुझको दादा की कृपा मिली। कृपा कैसे मिली है दादा विश्वकर्मा जी, सुनिए सुने कहना क्या, कि देखा नहीं पर पाई, लेकिन कि देखा नहीं पर पाई, इस पर है छाया, मेरे ऊपर कृपा रही है परम पूजन दादा जी की। तो कहना कि देखा नहीं पर पाई, इस पर है छाया, आपका ही रूप पप्पू भैया में पाया, आशीष कर हो जलज शीश पर।
पर तो चरणों में श्रद्धा सुमन कि चरणों में श्रद्धा सुमन ये नीलम चढ़ाए कि चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद है।